अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली आदरणीय मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाई हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वह निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। लता की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। इस तरह अच्छे लोग दिल में उतर जाते हैं मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।